हल्दी के ये गुप्त उपाय कर देंगे आपको माला मात्र, लबालब पैसों से भर जाएगी आपकी तिजोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में हल्दी की गांठ को काफी शुभ माना गया है। हिंदू धर्म में हल्दी की गांठ का बहुत बड़ा महत्व है। यह किसी भी धार्मिक कार्य में शुद्धता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी की गांठ पैसे को आकर्षित करने में मदद करती है। हिंदू धर्म में हल्दी का बहुत बड़ा महत्व है। यह किसी भी धार्मिक कार्य में सकारात्मकता ऊर्जा के लिए संचार का कार्य करता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी न केवल सकारात्मकता ऊर्जा को अट्रैक्ट करती है बल्कि यह धन और वैभव को भी आकर्षित करने में मदद करती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हल्दी की गांठ को घर में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन यह हल्दी को किस कोने में रखने से किस प्रकार से लाभ पहुँचा सकती है, आइए वास्तु शास्त्र के इस बारे में विस्तार में जानते हैं इस वीडियो में। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के किचन में हल्दी की गांठ को रखना काफी शुभ मानते हैं। व्यक्ति अगर किचन में हल्दी से भरा डिब्बा या फिर पाउडर रखता है तो कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। सुख और समृद्धि को बनाए रखने के लिए घर के मेन गेट पर हल्दी को रखना शुभ मानते हैं। इसके लिए हल्दी से भरी गांठ को एक डिब्बे में रखकर मेन गेट पर रखते हैं। हिंदू धर्म में घर के मंदिर में हल्दी को रखना शुभ मानते हैं। दरअसल मंदिर में हल्दी की गांठ रखने से सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए वास्तु शास्त्र में हल्दी की गांठ को तिजोरी में रखना शुभ मानते हैं। इसलिए आज ही से पैसे वाले स्थान पर हल्दी की गांठ जरूर रखें। यदि व्यक्ति अपने पर्स में हल्दी की गांठ रखता है तो उसे कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होती है। यह पैसों को अट्रैक्ट करने में भी मदद करता है, जिससे पर्स कभी खाली नहीं होता।